जिसकी आंखों में सावन झड़ी है, तेरी राहों में कब से खड़ी है, कितनी सदियां बुलाती है जिसको चाहे सिर्फ तुझको, कितने टुकड़ों में बट कर पड़ी है फिर भी कदमों पे खड़ी है, और कैसी दुख की घड़ी है। अब मुझे क्या करना है गुड्डू से, मैंने तो कभी उसे दिल से तस्लीम ही नहीं किया। की तो थी बात, वो सुनती कहाँ है किसी की। नहीं सुनती है ना वो बात, तो फिर याद रख, दो दिन के अंदर अख्तर मुझे तलाक दे देगा। एमन, नीचे उतारो इसको। क्या हुआ है? नीचे उतारो, मैं कह रहा हूँ तुमसे। प्लीज नाराज मत हो, कुछ नहीं हुआ। तुम्हारे लिए कुछ नहीं हुआ होगा एमन, लेकिन मेरे लिए ये मामला बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे कई ज्यादा इंपॉर्टेंट जितना तुम्हारे लिए गुड्डू है। अगर मुझे मेरी खुशी नहीं मिली ना, तो मैं तुम्हारी और तुम्हारे खानदान की सारी खुशियां छीन लूंगा। कौन है? इसलिए कि मेरे साथ जाओ। और कौन है भाई? मैं हूँ आपसे। जो भी दरवाजे पे आता है इतनी जल्दी में आता है, लगता है माँ ही मर गई उसकी। दरवाजा खोलने जल्दी। इतनी क्या मौत पड़ी हुई थी तुझे? तो पीछे पड़ा हुआ तेरे? मुझे अंदर आने की जल्दी थी। तुझे क्या जल्दी पड़ी हुई है? दरवाजा बजा रही हो, धड़ 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 धड़। दरवाजा बंद कर, मैं अभी आता हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप? और दो मिनट में आता हूँ, अभी काम है तेरा। खाना तो खा ले। और खा लेता हूँ खाना भी, खाना तो खा ले।
क्या हुआ? कुछ नहीं, ऐसे ही सोच रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई तुझे तंग करता हो और तू मुझे बताती ना हो। अगर ऐसा हुआ ना तो उसे गली में चीर के रख दूंगा। मुझे भला कोई क्यों तंग करेगा, मैं तो इसलिए परेशान हो रही थी, बच्चे घर में अकेले थे ना। चल ठीक है, खाना दे जल्दी। हाँ हाँ बैठी, मैं खाना लेकर आती। हाँ भाई क्या हो रहा है मोमन? आपकी कॉफी। थैंक यू। क्या कर रहा है मेरा बेटा, होमवर्क नहीं करना? वेयर योर बैग, बुक्स कहाँ है? क्या बात है, ऐसे क्या देख रहे हैं? तुमसे एक बात पूछूं तो तुम माइंड तो नहीं करोगे? आप अच्छी तरह से जानते हैं मैं आपकी किसी बात का माइंड नहीं करती। हाँ लेकिन जब बात गुड्डू की होती है तो तुम मेरी बात को जरा मुख्तलिफ तरीके से रिसीव करती हो। गुड्डू अपने कमरे में जाओ, होमवर्क करो, मैं आ रही हूँ। ओके सब कुछ नहीं है अजद, बेटा है वो मेरा, उसके लिए कोई बात हो तो फील तो होती है ना मुझे। कम ऑन है, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि तुम उसकी माँ नहीं हो। देखो तुम मुझे अच्छी तरह समझती हो, जानती हो, मेरा पर्सनल लेवल पे गुड्डू के साथ कोई इशू नहीं। लेकिन आज जिस तरह तुम्हारी अम्मी और तुम्हारी बहन घर में आकर शोर शराबा मचा रहे थे, ओवरऑल तुम लोग पूरी फैमिली एक प्रॉब्लम का शिकार हो और इस प्रॉब्लम का एक ही हल है। क्या हल है इसका? यही कि मैं अपने बेटे को किसी और के हवाले कर दूं? प्लीज क्या हो गया तुम्हें? तुम शायद भूल रही होगी, तुम गुड्डू की सगी माँ नहीं, जवाद उसका सगा बाप है। मैं सगा सुतेला कुछ नहीं जानती, मुझे सिर्फ इतना पता है कि सगी माँ से ज्यादा प्यार किया है मैंने उसे, कैसे किसी और के हवाले कर दूं? लेकिन हेमंत मैंने डिनर में मीठा बनवाया था, देख कर आती हूँ। हाँ यही मौका है अपनी लाइफ बनाने का, वरना जो कुछ भी है सब ईमन का ही तो है और वो नैना पे मेहरबान है। अम्मा नैना ईमन सबकी अपनी अपनी जिंदगी है और मैं सबकी खिदमत कर कर के सबको यहाँ तक पहुँचा कर बिल्कुल ही गंदा रह जाऊँगा। ठीक कहते हैं मेरे यार राहिल, बेटा कुछ ना कुछ करना ही होगा तुझे। अभी फोन करता हूँ उन्हें कि हाँ 3 का 30 मुझे भी करना है। गुड्डू के होते हुए ईमन कभी भी मेरी नहीं हो सकेगी,
ना ही इस घर की और ना ही मेरे आने वाले बच्चों की। हेमंत को अगर मेरे साथ खुश रहना है तो गुड्डू को इस घर से जाना होगा हर सूरत में। मुझे हेमंत का यूं अधूरा प्यार, अधूरा रिश्ता और अधूरा साथ नहीं चाहिए। दिस इज नॉट फेयर। सॉरी, गुड्डू को सुलाने में ज्यादा वक्त लग गया। मैं जानती हूँ आप खफा हैं मुझसे। मैं सच कह रही हूँ, मुझे पता ही नहीं चला वक्त कहाँ आंख लग गई मेरी। अज़द, मुझे पता है आप जाग रहे हैं, प्लीज कुछ तो बोले। इन कांटों को चुनते चुनते बंद आंखों में सपने एक छोटी प्लेट दे दे मुझे। अर्शद कहाँ गए? वो चले गए, कह रहे थे कि उन्हें शूटिंग पर जाना है। आज भी नाश्ते के बगैर चले गए? अभी अभी गए हैं। आप जरा इसको देखें, मैं अभी आई। जी। अर्शद, अज़द मेरी बात तो सुने। कोई रास्ता ना मंजिल कोई है, आस सीने में फिर भी जगी है। कितनी सदियां बीबी जी, क्या हुआ? साहब जी चले गए, नाश्ता भी नहीं किया। गुड्डू का बैग ले आए, मैं इसे नाश्ता कराती हूँ, फिर इसे मैंने छोड़ने जाना है। जी बीबी जी। मेरी वजह से आपसे नाराज है ना? नहीं बेटा, आपकी वजह से क्यों नाराज होंगे? आप तो इतने प्यारे। मम्मा जी, मैं आपको प्यारा लगता हूँ लेकिन सबको तो नहीं लगता। ऐसा नहीं कहते, सब कुछ नहीं। आप उसे छोड़ के ना जाइएगा, मैं आपके भी कैद नहीं रह सकता। नहीं सोचते गुड्डू, ऐसा कुछ नहीं है मेरी जान, आप तो मेरे बेटे हो, सबसे प्यारे बेटे। मामा हमेशा आपके पास है, कहीं नहीं जाएंगे आपको छोड़ के। कहाँ ठहरा हुआ है था जिंदगी में, कहाँ सुकून मिलेगा मुझे? कभी मिलेगा भी या नहीं? अम्मा के घर से लेके अर्शद के घर तक, जॉब से लेकर दुनिया में मशहूर होने तक, राहिल भाई से लेकर हापी तक, अर्शद से लेकर अब तक, कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है इस दुनिया में मेरा।
अकेली हूं मैं, बिल्कुल तन्हा। कहां चली जाऊं, कहां चली जाऊं? तू किसी भी तरह अपनी बहन के इस पे साइन करवा, उसी के नाम है ना सारी प्रॉपर्टी। हाँ यार, यही तो मसला, वरना मैं खुद ना साइन कर देता। कोई बात, तू एक बार साइन करवा ले, बाकी सारा काम मेरा है। फिर देखना, पूरे खानदान में तेरे जैसा अमीर आदमी कोई नहीं होगा। अच्छा, वो तो ठीक है, मगर जितनी हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं और जिस हिसाब से मुझे बताया जा रहा है, इतना ही फायदा होगा ना? देख, अगर तू इसी तरह सोचता रहेगा ना, तू बड़ा कारोबारी नहीं बन सकता। बड़ा हाथ मारने के लिए ना दिल और जिगरा भी बड़ा करना पड़ता है। तुम्हें मुझ पर यकीन है ना? यकीन तो है, मगर यकीन है तो ये अगर मगर छोड़। अगर मगर जो होता है ना, ये यकीन की मौत होती है। तू बेफिक्र है, मैंने तो आगे के सारे प्लान कर लिए हुए हैं। जो ही प्रॉफिट की पहली किस्त आएगी ना, तो हम थाईलैंड चलेंगे। जिंदगी के मजे तो वहीं पे हैं। अच्छा, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मुझसे बच नहीं पाओगी। देखो, मैं तुम्हें तंग नहीं करना चाहता, मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरा बेटा वापस चाहिए। देखो, पहली और आखिरी बार तुम्हारे शौहर से दर्जी बन के बात कर रहा हूँ। अगली बार फोन करूंगा ना तो सारी की सारी तफसील बता दूंगा उसे। जिसकी आंखों में सावन झड़ी है, जिसकी आंखों में सावन झड़ी है। अभी तक नैना का फोन नहीं आया, क्या फैसला किया होगा उसने? मुझे मेरा बच्चा देगी या नहीं, कैसे बताऊं? कैसे बताऊं कि एक एक लम्हा एक एक सदी की तरह भारी हो रहा है मुझ पर। मैं तुम्हें तंग नहीं करना चाहता नैना, मगर तुम अब मुझे मजबूर कर रही हो। सारन और ला दो। नहीं, और रोटी ला दो। वो पहले ये तो खत्म कर लेने दे। आपके लिए तो कह रही थी मैं। चुप करके बैठी रह, कुछ चाहिए होगा ना तुझे कह दूंगा। खा लूं रोटी अब। जवाद का फोन। ज्यादती कर रही हो तुम मेरे साथ, इंतहाई ज्यादती। नाना, मैं वो नहीं करना चाहता जिसके लिए तुम मुझे मजबूर कर रही हो, क्योंकि अगर मैंने वैसा किया ना तो फिर तुम अपने घर में बस नहीं पाओगी। सो प्लीज, शराफत से मेरा फोन उठा लो। फोन बंद करने से तुम मुझसे चुप जाओगी। नहीं नैना, तुम मुझसे चुप नहीं सकती और ना ही मेरा बेटा मुझसे छुपा सकती हो। अगर मैं अजियत में हूं ना तो होश में तुम्हें भी नहीं रहने दूंगा। अब देखो मैं करता क्या हूं तेरी।
ये किसका फोन आ गया? किसका नंबर है ये 4494004? ये मजीद ही ना कर रहा हो, पैसों के लिए फोन कर रहा था। दो दिन से उठा नहीं रहा मैं उसका फोन। हाँ आप ना उठाए ना फिर उसका फोन। बस पर किसी गाग का भी हो सकता है ना, उठाना तो पड़ेगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, सुल्तान बात कर रहा हूँ। कौन सुल्तान? भजन दर्जी सुल्तान। वो नैना बीबी के कुछ कपड़े थे मेरे पास, उन्होंने मुझे कहा था कि अगर मेरा नंबर बन जाए तो मेरे शौहर अख्तर साहब के फोन पर फोन कर लेना। अख्तर भाई बात कर रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ। वो अख्तर भाई, वो जरा नैना बीबी से बात करवा दीजिएगा, उनके कुछ कपड़ों का साइज का मसला था। अच्छा करवाता हूँ, जरा होल्ड करें। ये तूने दर्जी को कब से कपड़े देने शुरू कर दिए? दर्जी? हाँ दर्जी, उसका फोन है, वो कह रहा तूने उसे कपड़े दिए सीने के लिए। हाँ वो एमन ने दिए थे ना कपड़े, उसी ने सिलने के लिए दिए थे। कर ले बात, और एक बात एमन को बता दें, अपने काम खुद किया करे, तुझे मुलाजमा बना के रखा हुआ उसने, गैर मर्दों के आगे तुझे कर देती है। और मेरे फोन पे किसी मर्द का फोन ना आया दोबारा तेरे लिए। हेलो, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मुझसे बच नहीं पाओगी। देखो मैं तुम्हें तंग नहीं करना चाहता, मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरा बेटा वापस चाहिए बस। हाँ एमन के कपड़े तैयार है ना? हाँ उसने जैसे नाप दिए वैसे ही सीधे। देखो पहली और आखिरी बार तुम्हारे शौहर से दर्जी बन के बात कर रहा हूँ, अगली बार फोन करूंगा ना तो सारी की सारी तफसील बता दूंगा उसे, बल्कि खुद आऊंगा उससे मिलने के लिए। सिर्फ कल का दिन है तुम्हारे पास, मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए, मैं उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। जिस तरह तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है ना, मैं उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं और ना ही मैं तुम्हारा घर बर्बाद करना चाहता, मैं सिर्फ अपने बेटे की जिंदगी बचाना चाहता हूँ। क्योंकि मैं जानता हूँ अगर वो तुम्हारे साथ रहेगा ना तो जिस तरह तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है तुम उसकी भी जिंदगी बर्बाद कर दोगी, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। इस बात का ख्याल रखना। और बस कर, हो गई बात तेरी? जी हो गई। एक बात तू एमन को बता दे कि ये मर्दों के मुंह लगने वाले काम ना वो खुद किया करे तो ज्यादा अच्छा है। बड़ा माल बनाया हुआ उसने, बड़े मुलाजम रखे हुए, उनसे करवा ले, या वो जो तुम्हारा निकम्मा भाई है ना उससे करवाया करे ये सारे काम। समझ आ गई तुझे? एमन तुम, आई एम सॉरी, अब्बा से बहुत जरूरी बात करनी थी इसलिए आई, वरना मैं। कोई बात नहीं, यहाँ बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आओ। तुम बैठो, मैं तुम्हारे अब्बा को बुला। जैसा मैंने तुमसे कहा बिल्कुल वैसे ही बात करना, और पैसों का जिक्र जरूर कर लेना, तुम्हारी बेटी है इतना तो कर ही सकती है। अच्छा मैं बात करता हूँ, पहले ये तो देखूं कि वो आई क्यों। वो जैसे भी आई हो, तुम्हारी बेटी है, जरूरत पे काम नहीं आएगी तो कब आएगी? और वैसे भी तुम तो उसकी तरफ जाने का सोच रहे थे, देखो अल्लाह ने उसे यहीं भेज दिया, तुम जाकर बात करो उससे। अच्छा मैं बात करता हूँ, तुम चलो मैं चाय बनाकर लेकर आती हूँ। अच्छी बात।
बस कर दे अम्मा, छोड़ दे खाना, बात सुन मेरी, कितनी परेशान हूं मैं। अम्मा तू सोचती क्यों नहीं है, अगर अख्तर को पता चल गया कि मेरा माजी इस तरह का है तो मेरे साथ साथ मेरे बच्चों को भी दफन कर देगा वो। तो क्या करूं, वो नहीं राजी हो रही गुड्डू को देने पे, क्या करूं मैं? अम्मा तू चल मेरे साथ, चल के इमन से बात करते हैं, उसके पाँव पकड़ने वाले उसके पाँव पकड़ लेंगे, कुछ भी हो जाए गुड्डू को तो मैं वापस लेकर ही आऊंगी अम्मा। अरे कैसे लेके आएगी, पता तो कर ले, अज्जत है या नहीं है घर में, उसके सामने चले जाए। तो अम्मा उससे कहाँ छुपा हुआ है सब कुछ, सब कुछ जानता तो है वो। तू बस चल मेरे साथ, चल उठ उठ, चल आना उठना अम्मा। हाय हाय मुसीबत, पर्स लेके आ चल मेरा। जानता सा, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है अब्बा। देखो बेटा, मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, मुझे भी बात करनी है। बहुत परेशान हूँ अब्बा, इसीलिए आपके पास आई हूँ, वरना मैं। क्यों परेशान, कहो बोलो ना, क्या बात है? बात की तुमने अमन से? अभी कर रहा हूँ। वो तो करो ना, कब बात करोगे? अमन की बात सुन रहा हूँ, कुछ कह रही। छोड़ो, तुम बात नहीं कर सकते, मैं ही बताती हूँ। अमन, तुमने पता नहीं हमारे लिए अपने दिल में क्या क्या सोच रखा होगा, लेकिन तू यकीन मान, जब से ये शादी हुई है ना, तेरा बाप मुझे कहीं घुमाने को नहीं लेकर गया। सारी चीजें अपनी जगह, मैं तेरी सौतेली माँ ही सही, लेकिन तेरे बाप की दूसरी सगी बीवी हूँ, कुछ तो ख्याल कर। देखो अमन बेटा, हम खुद बहुत परेशान, मुझे पैसों की जरूरत है, मैं इस सिलसिले में बल्कि खुद तुम्हारे पास आना चाह रहा था। तुम समझने की कोशिश करो, हमारे घर के हालात कुछ अजीब से हो गए। हाँ अमन, हमें भी पैसों की बहुत सख्त जरूरत है, अगर तुम हमारी हेल्प करोगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा ना। मैं बात कर रहा हूँ ना अपनी बेटी से, मैं समझा रहा हूँ उसको। तो आप पहले मेरी बात सुने, पहले मेरे मसले। अरे तुम्हारी क्या बात सुनूं मैं, मुझे अपनी बात तो पहले समझाने दो। पर मेरी बात समझेंगे तो आप समझाएंगे ना, ये तो कोई बात नहीं। एक मिनट आप मेरी बात सुनो, पैसों का मसला हल करें, जो आपने सारी चीजें मुझे करके देनी थी आज तक तो करके नहीं। अरे मुझे गला तो आप लोगों ने दबा दिया है मेरा, मेरे ख्वाबों का, मेरी सोचों का, मेरे ख्यालों का। अब अगर मैं सांस ले रही हूं तो खुदा के लिए इस चीज को बर्दाश्त कर ले आप लोग। जिसकी आंखों में सावन झड़ी है, जिसकी आंखों में सावन झड़ी है। तो फिर यू कर कि अपने हाथों से गला दबा दे मेरा। आप ये मुझे तो आप ही, क्या हो गया तुझे? वैसे भी तो कत्ल कर रही है मेरा। अरे गला तो आप लोगों ने दबा दिया है मेरा, मेरे ख्वाबों का, मेरी सोचों का, मेरे ख्यालों का। अब अगर मैं सांस ले रही हूं तो खुदा के लिए इस चीज को बर्दाश्त कर ले आप लोग। ये क्या कह रही है अम्मा, क्या कह रही है ये? अपने होश में तो है तू? इन बड़े बड़े महलों में रह रही है ना, तो मेरी वजह से, अम्मा की वजह से, भाई की वजह से रह रही है, तेरा कोई कमाल नहीं है इसमें। क्यों खामखा गुड्डू की जिद कर रही है, उसे छोड़ क्यों नहीं देती है तू? इसे तो बचपन से ही दुश्मनी है मुझसे, अच्छी तरह से पता है। जितने अच्छे रिश्ते आते थे ना, सारे मेरे लिए आते थे, मेरी खूबसूरती से जलती है ये, जान जाती है इसकी। बस आप ही मत करें इस तरह की बातें जिस पे आपको खुद यकीन ना हो। नहीं, यकीन है मुझे, सबका यकीन है मुझे, सब पता है तू क्या करना चाह रही है मेरे। कुछ नहीं करना चाहती मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि गुड्डू मेरे वजूद का हिस्सा है अम्मा, मैं कैसे उसे किसी और के हवाले कर दूं? वो किसी नहीं है, उसका बाप है। बाप है उसका? बाप है तो फिर उस वक्त कहाँ था जब गुड्डू के मुंह में दूध के दो कतरे डालने को कोई तैयार नहीं था?
उस वक्त कहाँ था जब बाप के होते हुए उस बेचारे को यतीम खाने में छोड़ आए थे सब लोग? उस वक्त कहाँ था जब वो बीमार था? डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, याद है ना आप लोगों को? सारी रात मैं रहती थी उसके पास और दिन को जॉब भी करती थी। आप लोग सब कुछ भूल गए? कुछ भी याद नहीं आप लोगों को? सब याद है हमें, तो समझते क्यों नहीं है मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है? इतने टुकड़ों में बट कर पड़ी है फिर भी कदमों। सईद, सईद। जी साहब। कहाँ मर गया तू? सर ऊपर था। अम्मा नहीं आई अभी तक? नहीं साहब। अच्छा सुन, जब अम्मा आए ना तो मुझे बता देना, बड़ा जरूरी काम है मुझे। ठीक है साहब। जनाब, पैसे भी हैं और ज्वेलरी भी है और कुल मूल मिला के 25-30 लाख हो जाएंगे। अब तो बात बन जानी चाहिए ना। जी वकील साहब, मैं बस आज की रात ही इंतजार करूंगा, कल फिर वैसा ही करेंगे जैसा जैसा आपने मुझसे कहा था। मैं और अपने बेटे की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता वकील साहब। मैंने कह दिया ना सर, कल जो कुछ होगा फिर उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी, फिर ना कहना। जी जी बोल दिया मैंने। ठीक है, मैं कल सुबह फिर आता हूँ आपके पास। ओके। हाँ जी, आप बेफिक्र रहिए, मैं फीस लेता हूँ। आप परेशान ना हो, बस मुझे मेरा बेटा वापस दिलवा दें आप। बहुत शुक्रिया, अल्लाह। कोई और रास्ता छोड़ा ही नहीं मेरे लिए। जिन रास्तों पर तुम चल रही हो वो तुम्हारे अपने चुने हुए हैं। खैर, मेरा बेटा कहाँ है? लाइयो साथ। डराने के लिए भी नहीं कहोगे? सब सवाल यहीं पर करोगे क्या? Thank you.
जवाब, तुम्हारा बेटा तो नहीं रही हूं मैं। तो फिर क्यों आई हो यहाँ? उसका पता जरूर बताने आई हूँ तुम, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। अब कैसा वादा? मुझसे यह वादा करना होगा कि जब पता मैं तुम्हें बताऊंगी, तुम अपने बेटे को वहां से जाकर ले लोगे, किसी सूरत मेरी जिंदगी में मुदाखलत नहीं करोगे। मैं शादी करके अपना घर बसा चुकी हूं, मैं नहीं चाहती कि एक बार फिर से मेरी जिंदगी तबाह हो। मेरा माजी तो आज तक मेरा पीछा नहीं छोड़ा। मैं कभी भी तुम्हें तंग नहीं करना चाहता था, सिर्फ तुम्हें चाहता था, मगर तुम ही अपने ख्वाबों के पीछे भागते भागते इतनी दूर निकल गई। सब ताल्लुक सब रिश्ते इन पीछे छूट गए। क्या क्या हाथ आया तुम्हारे? देखो आज भी खाली हाथ हो तुम। ठीक कह रहे हो जवाब, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, ना रिश्ते ना ताल्लुक। मेरे हाथ तो खाली रह गए ना, या तो हाथ ही खाली रह गए। मेरा तो दिल खाली हो गया, मेरा तो वजूद खाली हो गया। देखो तो मैं तुम्हारी वही नैना हूं जो तुमसे बहुत मोहब्बत करती थी। चुकी हूं मैं, बिल्कुल खोखली हो चुकी हूं। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूं, मुझे माफ कर। बहुत बड़ा किया है मैंने तुम्हारे साथ, पता नहीं नैना तुमने मेरे साथ क्या किया है और क्या नहीं, लेकिन अपने साथ बहुत बुरा किया है तुमने। बहुत प्यार करता था मैं तुम्हें, बहुत चाहता था, बहुत बहुत खुश रखना चाहता था। अगर तुमने अपना क्या हाल कर लिया है, कभी भी इस हाल में नहीं देखना चाहता था मैं तुम्हें। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता था, अब बात देखना चाहता था। ऐसा तो खत्ते निकालेंगे तो लेना। फैसला कर लिया मैंने। कैसा फैसला? दिल के गुड्डू मेरे जगह का टुकड़ा है। जवाब! चुप, शोर नहीं बचाना वरना यहीं पे चुप करवा दूंगा। क्या करें, तुम पागल हो गए हो? हुआ तो नहीं था लेकिन अब हो जाऊंगा। अब तू
तुम्हें मेरे साथ यहीं पे रहना है। छोड़ो मुझे, नहीं रुका के बाहर छोड़। गुड्डू। जिसकी